am going to explain fourth law of logarithm. This is also called change of base formula. We have to prove log base a of n is equal to log base b of n into log base a of b or log base b of n over log base b of a. यानी कि या तो हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल प्रूव करना है या इसको इसके इक्वल प्रूव करना है. एग्जाम में हमें इसी तरह दिया जाएगा. यानी कि या तो हमें दिया जाएगा कि लॉग बेस ए ऑफ एन इज इक्वल टू है लॉग बेस बी ऑफ एन इंटू लॉग बेस ए ऑफ बी, इसको प्रूव करें, या लॉग बेस ए ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग बेस बी ऑफ एन ओवर लॉग बेस बी ऑफ ए, इसको प्रूव करें. तो हम इन दोनों को ही प्रूव करना सीखेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस. हम पहले लॉग की बेस चेक करेंगे. यहाँ पर लॉग की बेस ए है, यहाँ पर लॉग की बेस बी है और यहाँ पर लॉग की बेस ए है. तो जो डिफरेंट बेस वाली वैल्यू है उसको हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे. लेट लॉग बेस बी ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स. ओके, नाउ वील कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इस मसावात को हम कुव्वत नुमाई अंदाज में लिखेंगे. बेस को लिखेंगे, ये वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी और एन इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा. ओके, टेकिंग लॉग टू द बेस ऑफ ए बोथ साइड्स एंड वी गेट लॉग बेस ए को हम इक्वेशन के इस साइड पे भी लेंगे और इस साइड पे भी लिखेंगे. लॉग टू द बेस ऑफ ए इक्वल के हमने लेफ्ट साइड पे भी ले लिया और राइट साइड पे भी लेंगे. ओके, हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिदम में देखा था कि अगर पावर होगी लॉग के साथ तो वो पावर शुरू में आ जाएगी. हियर विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस बी ऑफ एन इंटू लॉग बेस ए ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ एन और ये जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी है इसे हम लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं. और ये वैल्यू इस वैल्यू को राइट साइड पे भी. हैंस वी हैव प्रूव आर पार्ट वन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव लॉग बेस ए ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग बेस बी ऑफ एन ओवर लॉग बेस बी ऑफ ए. वी लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स. लेट लॉग
यस ए ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स। अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा था जिस लॉ की बेस जो है वो डिफरेंट होगी उसको हमने लेट कर लेना है, ठीक है। लेट लॉग बेस ए ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स, वील कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुवत नुमाई अंदाज में लिखेंगे, अगेन बेस को हम लिखेंगे पावर, और ये जो एन है इसको हम इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। नाउ वील टेक लॉग टू द बेस ऑफ बी both sides and we get log base b of a to the power of x is equal to log b base b of n। हमने दोनों जानिब log base b ले लिया है। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में हमें कहा गया था कि अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाएगी। ओके, हियर वील पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए ऑफ एन। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि बेस बी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक जानिब हो और लॉग बेस ए वाली वैल्यू एक जानिब हो। तो ये जो हम लॉग बेस बी वाली लॉग की वैल्यू है इसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगी। ओके, हैंस वी हैव प्रूव्ड आर फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम।